Good morning, everyone. Continuing with our next point, adjustment of undistributed profit or losses and reserve. जब आप नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हो फर्म में, तो उस डेट से पहले जो भी आपके अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉसेस या रिजर्व्स एग्जिस्ट कर रहे हैं बिजनेस में, वो सब जो है बिलोंग करते हैं आपके ओल्ड पार्टनर्स को. तो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में वो डिवाइड होंगे उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. अगर प्रॉफिट जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए एंट्री हमारी क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, उनकी ओल्ड रेशियो में. प्रॉफिट एग्जिस्ट कर रहे हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को जब आप डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है उनकी क्रेडिट साइड में आप उन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को शो करेंगे, और ये चीज़ें शो होंगी आपकी बैलेंस शीट में. जो बैलेंस शीट क्वेश्चन में गिवन होगी वहाँ पर ये चीज़ें शो होंगी कि कौन कौन से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉसेस बैलेंस शीट में एग्जिस्ट कर रहे हैं. अगर अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस हैं, जैसे आपका पी एंड एल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है, तो उन्हें भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा. और ये लॉस है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पर आप उसे ट्रांसफ़र करेंगे. तो एंट्री क्या होगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस एक्सेट्रा. कई बार कुछ स्पेसिफिक फंड्स भी आप क्रिएट करते हो टू मीट आउट द फ्यूचर लायबिलिटीज, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन फंड और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, जो आउट ऑफ प्रॉफिट्स क्रिएट किए जाते हैं. सो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जो भी एक्सेस अमाउंट होगा इन फंड्स में, देन एक्चुअल लायबिलिटी. सपोज फंड पड़ा है आपका वर्कमैन कंपनसेशन फंड 50,000 का, और जो एक्चुअल लायबिलिटी है वो है 30,000 की, तो 50-30 20,000 जो है वो अमाउंट ट्रांसफ़र होगी ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में. तो उसे ट्रांसफ़र करने की एंट्री क्या बनेगी आपकी? वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, और ये डिवाइड होगा उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. कई बार जो पार्टनर्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिजर्व है उन्हें आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे आप, और उसे आप बैलेंस शीट में शो करेंगे. तो उस केस में भी एक नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री आपको देनी पड़ेगी. एट प्रेजेंट जो पार्टनर्स हैं वो शेयर कर रहे हैं उसे ओल्ड रेशो में, लेकिन फ्यूचर में पार्टनर्स शेयर उसे करेंगे न्यू रेशो में. तो उस केस में ज़रूरी है कि एक एडजस्टमेंट एंट्री एट प्रेजेंट वहाँ पर की जाए. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जो भी पार्टनर गेन कर रहा है उसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. तो इसका एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं. सीता एंड गीता आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1. ऑन 31st December 2012 देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलोज. आपकी क्वेश्चन में दिया हुआ है कैपिटल अकाउंट सीता का, गीता का, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, टैक्सेशन रिजर्व, जर्नल रिजर्व, देन लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेब्टर्स, बिल रिसीवेबल, कैश इन हैंड, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस. दे एडमिट अनीता इनटू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स. प्रोविजन ऑन डेब्टर्स इज टू बी इंक्रीज बाय 2800. लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी शुड बी रिवैल्यूड एट 5,25,000 एंड 3,29,000 रुपीज रिस्पेक्टिवली. Prepaid insurance 3100 has not been shown in balance sheet. Market value of investment is 72,000. Sita has taken over the investments at this value. New profit sharing ratio of partners will be 3:2:1. Anita will bring 1,95,000 as her capital and her share of goodwill. Goodwill is to be valued at twice of the average profit of the last 4 years, which were 86,000, 78,000, 62,000 and 98,000 respectively. 60% of the amount of goodwill are withdrawn by old partners. Give journal entries, prepare revaluation account, capital account and opening balance sheet of the new firm. So, हम प्रिपेयर करेंगे इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और ओपनिंग बैलेंस शीट. जर्नल एंट्रीज आप डायरेक्टली कर सकते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट को देख के. तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट
और आपका पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और ओपनिंग बैलेंस शीट का परफॉर्मा आप बना लेंगे। उसके बाद हम शुरू करते हैं। और सबसे पहली जो चीज़ जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके बाद आपको करनी होती है, दैट इज़ आपने ये देखना है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइजिंग रेशियो क्या क्या शो होगी। तो ओल्ड रेशो यहाँ पे ऑलरेडी दी गई है 2:1। अनीता को आपने एडमिट किया है, कितने परसेंट शेयर के लिए वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। गिवन है तो दे एडमिट अनीता इनटू पार्टनरशिप, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपकी दी हुई है 3:2:1। तो ओल्ड रेशो गिवन है, न्यू रेशो गिवन है, सेक्रीफाइजिंग रेशो आपकी निकल जाएगी। तो यहाँ पर सेक्रीफाइजिंग रेशो आपकी निकाली हुई है, सीता सेक्रीफाइस कर रही है 1/6, गीता ने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया है। तो इसका मतलब जो भी अमाउंट होगा प्रीमियम का वो सिर्फ और सिर्फ सीता को मिलेगा जो गुडविल नया पार्टनर लेके आएगा। तो रिवेल्युएशन अकाउंट अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है प्रोविजन ऑन डेप्टर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 2800। प्रोविजन ऑफ डेप्टर्स आपने इंक्रीज किया है तो आपकी डेबिट साइड पे शो हो जाएगा टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स 2800 का। नेक्स्ट जो हमें गिवन है दैट इज लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी शुड बी रिवेल्यूड एट 5,25,000 एंड 3,29,000 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे वर्ड एट आ गया, पिछला जब हमने क्वेश्चन किया था तो वहाँ पे बाय वर्ड था। तो वही चीज मैंने आपको वहां पे क्लियर की थी लास्ट लेक्चर में कि एट और बाय वर्ड जो है दोनों का डिफरेंट मीनिंग हो जाता है। तो यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग जो है आपकी 5 लाख की शो हो रही है बैलेंस शीट में और उसे रिवैल्यू करना है एट 5,25,000। तो कितने से वो इंक्रीज हुई, 25,000 से, दोनों का डिफरेंस आपने निकाल लिया। सेम तरीके से प्लांट एंड मशीनरी जो है वो थी 340 की लेकिन अब वो रह गई है 3,29,000 की। तो इसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम शो करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग में इंक्रीज हुआ है तो उसे हम क्रेडिट साइड पे शो कर रहे हैं बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 25,000। और प्लांट एंड मशीनरी में डिक्रीज हुआ है तो उसे हम डेबिट साइड शो कर रहे हैं और डिक्रीज हुआ है 11,000 का। देन नेक्स्ट जो हमें गिवन है दैट इज प्रीपेड इंश्योरेंस 3,100 रुपीज हैज नॉट बीन शोन इन बैलेंस शीट। तो ये आपकी अनरिकॉर्डेड एसेट हो गई जो आपने शो नहीं की है। तो क्रेडिट साइड पे बाय प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट 3,100 रुपीज आ गया। नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹72,000। आपकी जो इन्वेस्टमेंट एग्जिस्ट कर रही है वो है 65,000 की, अब उसकी वैल्यू है 72,000। तो जो आपकी मार्केट वैल्यू है वो इंक्रीज हुई है तो रिवेल्युएशन अकाउंट में हमने उसे लिख दिया बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट 7,000 से। और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो सीता ने टेक ओवर कर ली है तो सीता ने उसके लिए पे किया होगा। तो सीता का जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है आपने उसकी डेबिट साइड पे लिख दिया टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 72,000। देन नेक्स्ट जो हमें गिवन है दैट इज अनीता लेके आएगी कैपिटल 1,95,000 एज हर कैपिटल एंड हर शेयर ऑफ गुडविल। रिवेल्युएशन अकाउंट से रिलेटेड और भी हमें यहाँ कुछ गिवन नहीं है तो सबसे पहले रिवेल्युएशन अकाउंट को हम बैलेंस कर लेते हैं। तो आपका प्रॉफिट आ गया और ये डिवाइड कर दिया अपने ओल्ड पार्टनर्स में, सीता और गीता में, उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और इसे हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बाय रिवेल्युएशन अकाउंट। सीता के अकाउंट में 14,200 और गीता के अकाउंट में 7,100। अब हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की एंट्रीज करते हैं। तो पहले बैलेंस शीट में जो उनके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है सीता और गीता का 7,05,000 एंड 3,20,000। तो ये बाय बैलेंस बीडी हो गया। देन रिवेल्युएशन का जो प्रॉफिट लॉस है वो हम ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉसेस तो नहीं है। यहाँ पर है हमारे पास जर्नल रिजर्व और यहाँ पर है हमारे पास एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, तो इसे भी हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। इसमें अब यहाँ पे देखिए टैक्सेशन रिजर्व भी गिवन है लेकिन टैक्सेशन रिजर्व जो है वो आपने टैक्स के लिए बनाया हुआ है, वो जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होता है उसके अंडर वो नहीं आता है। तो जो जर्नल रिजर्व है इस रिजर्व को सिर्फ हम डिवाइड करेंगे, टैक्सेशन रिजर्व को हम डिवाइड नहीं करेंगे।
तो जर्नल रिजर्व को जब आप डिवाइड करेंगे पार्टनर्स के बीच में, तो जर्नल रिजर्व है, प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में जाएगा पार्टनर्स के, बाय जर्नल रिजर्व अकाउंट ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आपका लॉस है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे जाएगा टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस उनकी ओल्ड रेशियो में। देन बैलेंस शीट में हमने देख लिया क्या क्या था। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो गिवन है, अनीता विल ब्रिंग 1,95,000 एज हर कैपिटल, तो उसके कैपिटल अकाउंट में बाय कैश अकाउंट 1,95,000। और नेक्स्ट जो लिखा हुआ है दैट इज हर शेयर ऑफ गुडविल, वो अपना शेयर ऑफ गुडविल भी लेके आएगी, लेकिन कितना है उसका शेयर ये हमें नहीं पता है। और हमें नेक्स्ट जो आइटम दिया हुआ है 0.7 में, दैट इज कि आपने गुडविल को वैल्यू करना है एट ट्वाइस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर। तो पहले हम गुडविल की वैल्यू निकालेंगे, उसमें फिर अनीता का शेयर निकालेंगे और उस शेयर को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो आपका गुडविल को वैल्यू करेंगे पहले, गुडविल एवरेज प्रॉफिट बेसिस पे होनी है, तो लास्ट 4 ईयर्स के प्रॉफिट्स को हमने टोटल किया, वो आया 3,24,000, डिवाइड किया नंबर ऑफ इयर्स 4 से, तो आपके एवरेज प्रॉफिट आ गया 81,000। और ट्वाइस बोला हुआ है क्वेश्चन में गुडविल को वैल्यू जब हम करेंगे तो गुडविल 81,000 इंटू 2, तो गुडविल आ गया आपका 1,62,000। तो अनीता का शेयर इसमें कितना है, गुडविल है 1,62,000 रुपीज, और अनीता का जो शेयर है वो है 1/6। तो 1,62,000 को आपने डिवाइड किया 6 से, तो जो आपका अमाउंट ऑफ गुडविल है अनीता का वो आ गया 27,000। तो ये जो अनीता का शेयर है गुडविल का 27,000 जो वो लेके आई है, वो डिवाइड होगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में, और यहाँ पर सेक्रीफाइस सिर्फ किया है सीता ने, तो जो 27,000 है वो सारा का सारा अमाउंट सीता के अकाउंट में चला जाएगा। तो बाय प्रीमियम और गुडविल अकाउंट सीता के अकाउंट में हमने क्रेडिट कर दिया 27,000। देन नेक्स्ट जो हमें एडजस्टमेंट के लिए पॉइंट दिया हुआ है, दैट इज 60% ऑफ द अमाउंट्स ऑफ गुडविल आर विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। तो जो सेक्रीफाइस जिस पार्टनर ने किया है उसी को गुडविल मिली है, वही विड्रॉ कर सकता है, तो 60% उसने विड्रॉ किया, तो 27,000 का 60% आपने निकाला तो आया 16,200 जो सीता ने विड्रॉ कर लिया, तो उसके डेबिट साइड पे चला जाएगा टू कैश अकाउंट 16,200। तो सभी एडजस्टमेंट का इफेक्ट हमने दे दिया, दोनों साइड्स को आप बैलेंस करेंगे तो आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा सीता गीता और अनीता के कैपिटल अकाउंट्स का। अब ओपनिंग बैलेंस शीट में आप उसे लिख देंगे सीता गीता एंड अनीता के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट, टैक्सेशन रिजर्व, इनमें कोई चेंज नहीं हुआ है तो इन्हें हमने एज इट इज लिख दिया। और जो आपका एसेट साइड है उसमें जिस जिस एसेट में जो जो चेंज हुआ है रिवैल्यूएशन अकाउंट के अकॉर्डिंग उसे हमने यहाँ पे शो कर दिया। जैसे हमारा लैंड एंड बिल्डिंग जो था, लैंड एंड बिल्डिंग जो था वो हमारा वैल्यू किया गया था 5,25,000 पे, तो उसे हमने 5,25,000 पे लिख दिया। प्लांट एंड मशीनरी को वैल्यू किया गया था 3,29,000 पे, तो उसे हमने 3,29,000 पे कर दिया। प्रीपेड इंश्योरेंस को हमारा बैलेंस शीट में हमने शो कर दिया 3,100 रुपीज़ पर, जो पहले शो नहीं था, लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट में जब हमने उसे रिवैल्यू किया तो वो एग्जिस्ट कर रहा था, तो उसे हमने बैलेंस शीट में शो कर दिया। जब दोनों साइड्स को आप बैलेंस करेंगे तो आपका एसेट साइड और जो लायबिलिटी प्लस कैपिटल साइड है दोनों का अमाउंट इक्वल आएगा। तो ये था हमारा फुल फ्लेज एक क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट, उसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।